Hello friends and students, so this is the part 2 of session 8 of unit 4. Okay, in this part we will learn about presenter view without projector. In part 1 we learned that how to create speaker notes, what is the use of speaker note, okay, why do we create speaker notes, okay, and we also learn that how to see the speaker note while running a slideshow. जब हम slideshow को run करते हैं तो उन speaker notes को कैसे देख सकते हैं, तो presenter view में हमने देखा था, but वो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास कोई projector लगा हो, ठीक है, तो क्योंकि presenter view मैंने बताया था वो तभी चलता है जब दो screen हमारे पास हो, but अब आज के video में मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक ही स्क्रीन है, और नॉर्मली जैसे जो हम यूजर्स होते हैं सभी के घरों में एक ही स्क्रीन होती है, एक कंप्यूटर है उसकी जो स्क्रीन है बस वही है, ठीक है, तो हम प्रेजेंटर व्यू को कैसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते, ठीक है, तो वही स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो. तो यहाँ पर जैसे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है आपके सामने, ये वही प्रेजेंटेशन जो पिछले वीडियो में बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है. तो इसमें मैंने तीन स्लाइड बना रखी हैं, सबकी नोट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ओके. और मैंने बताया था कि स्लाइड शो टैब में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया शो ऑन बटन मेरा हाईलाइट था, यहाँ पर मैंने दूसरी स्क्रीन सेलेक्ट कर ली थी और ये प्रेजेंटर व्यू मैंने ऑन कर दिया था, ठीक है. तो अभी क्या है, लेकिन अभी आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो ऐसे आएगी जैसे अगर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टर नहीं है, जैसे फिलहाल मैंने कोई प्रोजेक्टर या कुछ भी कनेक्ट इससे नहीं कर रखा है. तो हम स्लाइड शो में आएंगे तो यहाँ मॉनिटर ग्रुप में रेजोल्यूशन तो हम चलो सेलेक्ट कर लेंगे, यही करंट रेजोल्यूशन कर लो जो भी आपके सिस्टम की है वही हो जाएगी. अब शो ऑन बटन हाईलाइट ही नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं पहली बात तो यूज़र जो यूज़ प्रेजेंटर व्यू पर क्लिक भी करता हूँ तो एक मैसेज आ जाता है क्या, दिस फीचर इज़ फॉर यूज़ विद मोर देन वन मॉनिटर. आपके पास एक से ज़्यादा मॉनिटर होना चाहिए तभी ये फीचर वर्क करेगा, ओके. बट ओनली वन मॉनिटर वॉज डिटेक्टेड, लेकिन ये कह रहा है कि हमें सिर्फ एक मॉनिटर ही मिला है. टू सी इफ द कंप्यूटर कैन डिस्प्ले ऑन मल्टीपल मॉनिटर क्लिक ऑन चेक बटन, तो चेक बटन पे हम क्लिक करके देखते हैं, ओके. तो यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आया है, तो इस मैसेज में ये अपने आप इसने स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारी ओपन कर दी है. तो यहाँ पर मैं डिटेक्ट करके देखता हूँ, मैं डिटेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो कोई भी दूसरी स्क्रीन ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, मतलब दूसरा मॉनिटर कोई भी डिटेक्ट नहीं कर रहा, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा डिटेक्ट करने से, ठीक है. तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, क्लोज हो जाएगा. तो ये प्रेजेंटर व्यू मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, आप भी ऐसे नहीं कर पाएंगे. तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है. तो अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखें. सबसे पहले तो आप ट्राई करें विंडो प्लस पी की, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ विंडो प्लस पी, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी आपके सामने, इसको बोलते हैं कनेक्ट टू प्रोजेक्टर विंडो, ठीक है. तो इसमें ये एक्सटेंडेड जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपने भी ऐसे क्लिक करना है. तो इस पर क्लिक करने से अगर आपका ये जो शो ऑन बटन हाईलाइट हो गया, ठीक है, आप दोबारा करके देखोगे पता, चलो यहाँ से नहीं भी हुआ तो भी पता लगा, तो दोबारा विंडो प्लस पी करो. अब ये देखो अगर पहले फिर से यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट आ रहा है कंप्यूटर ओनली, ओके, एक्सटेंडेड मैंने सिलेक्ट किया था बट ये देखो हुआ नहीं, मैंने दोबारा कर चेक कर किया फिर से यही है. मैं फिर से एक्सटेंड करता हूँ, फिर से करता हूँ विंडो प्लस पी, ये फिर से देखो तो ये सिलेक्ट हो ही नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है. तो मैं इस पर कितनी बार भी कर लूँ ये सिलेक्ट हो ही नहीं रहा, तो ये शो ऑन भी मेरा हाईलाइट ही नहीं होगा. और जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा ये यूज़ प्रेजेंटर व्यू जो है वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दूसरी जो मॉनिटर है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रही है. और डिटेक्ट कहाँ से होगी, हमारे पास है ही नहीं दूसरा मॉनिटर, ओके. तो अब क्या करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं ये आपको मैंने नोट कर रखे हैं तो आपको दिखा देता हूँ, ओके. तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर है आई डिस्प्ले, इसको इंस्टॉल करना है. तो अगर मैं इस लिंक पे करूँ तो देखो ऊपर एड्रेस दिखा रहा है www.getidisplay.com. तो इस वेबसाइट से हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये अपना गूगल जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन कर रहा हूँ.
तो ये थोड़ा सा शायद टाइम लेगा। तो ये ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो ये मेरा ओपन हो गया है, मैंने ओपन कर लिया और मैं इसमें एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। आपके पास कुछ ऐसा आएगा तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो दोबारा मैं देख लेता हूँ एड्रेस क्या था। ध्यान से एड्रेस एग्जैक्टली यही डालना है, www.getiDisplay.com। ओके, तो या यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी लिंक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें। अच्छा चलो डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं हम। यहाँ पर आई और मैं टाइप करता हूँ www.getiDisplay.com। ओके, तो ये पूरा टाइप करना है और फिर एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी। इसी वेबसाइट में जब आप बिल्कुल नीचे जाओगे, लास्ट में बिल्कुल जाते जाओ, बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा। तो अब डाउनलोड ऑप्शन में आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो तो मैकन्टोश, या आईफोन यूज कर रहे हो तो iOS। और अभी क्योंकि हम यहाँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ, तो विंडो में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर विंडो 7, XP, विस्टा या 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसे डाउनलोड करना है। विंडो 8.1 या उसके बाद वाला, यानी 10, विंडो 10 है आपके पास तो ये वाला डाउनलोड करना है। तो अभी मेरे पास ये है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो ये डाउनलोडिंग है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। अभी भी ओके, तो ये आ गया है डाउनलोड होने का, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ से जो ये सेटअप है आप बस सेव करेंगे, जिस भी लोकेशन लोकेशन को सिलेक्ट कर लो तो वो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर रखा है, जहाँ देखो ये आई डिस्प्ले पहले से डाउनलोड है। ठीक है, तो अगर मैं सेव करूंगा नहीं होगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ, आपने सेव करना है। ठीक है, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो जहाँ भी डाउनलोड हुआ है, मैं माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ। ये कंप्यूटर मैंने ओपन किया और डाउनलोड बाई डिफॉल्ट डाउनलोड में ही होता है, आपका भी शायद डाउनलोड में मिलेगा, नहीं तो आप ध्यान से चेक कर लें आपका डाउनलोड कहाँ हो रहा है, उसी फोल्डर में मिलेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ओके, सॉरी मैंने मिनिमाइज कर दिया उसे। ओके, ये आ गया। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। इट्स टेकिंग सम टाइम। ओके, तो ये आ गया है, इसको रन करेंगे। सिंपल होते हैं इंस्टॉलेशन, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं, हमें बस ऐसे ही इंस्टॉल करते चले जाना है इसको। और यहाँ पर ये परमिशन मांगेगा, यस कर देंगे। स्टेप्स को ध्यान से देखते जाइए आप, या वीडियो साथ साथ प्ले कर लें, साथ साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को ही रखेंगे, ओके करेंगे। सो नेक्स्ट आई एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर करने के बाद यहाँ भी कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 ही करते जाना है हमें। इंस्टॉल करते जाओ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये स्लो प्रोसेस है। ओके, तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। सो लेट इट कंप्लीट, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। अभी भी थोड़ा सा और टाइम ले रहा है, सो मैं वेट कर रहा हूँ अभी इसका इंस्टॉल होने का कंप्लीट। सो वीडियो काफ़ी बढ़ता जा रहा है वैसे। ओके, ये हो गया है इंस्टॉल। तो यहाँ पर अभी एक दो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर कुछ एक नोटिफिकेशन आया, प्लीज़ डू नॉट डिसेबल योर न्यू वर्चुअल डिस्प्ले इन डिस्प्ले प्रेफरेंस। तो ओके कर देंगे यहाँ पे।
और यहाँ पर बस फिनिश कर देंगे, ठीक है। जैसे आप फिनिश करोगे ये ओपन एक नोटिस दे रहा है और ध्यान से बोल रहा है कि आई डिस्प्ले विल नो नाउ रन कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट करेगा कंपैटिबिलिटी, और इस टेस्ट में आपकी स्क्रीन हो सकता है फ्लिक करे, बार बार बंद हो सकती है बीच बीच में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। एक बार कंटिन्यू करने के बाद तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे तो ये थोड़ा सा टेस्ट करना स्टार्ट करेगा। बीच बीच में जो हमारी स्क्रीन है वो फ्लक्चुएट करेगी, ओके, बंद होगी कम्प्लीटली, फिर ऑन भी हो जाएगी अपने आप ही, तो सब कुछ अपने आप चलेगा। बस आपने इसको देखना है एक बार कंटिन्यू करने के बाद। तो ये चल रहा है अभी जैसे टेस्ट, तो थोड़ा सा ये एक दो मिनट शायद ले लेता है। तो अभी जैसे मेरी स्क्रीन है ऑफ हुई है, ओके, मैं देखो जैसे फ्लक्चुएट हो रही है स्क्रीन मेरी बार बार। ओके, तो यहां पर लिखा गया आई डिस्प्ले इज नाउ रनिंग, ओके। तो जब ये नाउ रनिंग आ गया है तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर सकता हूं, या यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि यहां पे देखो आई डिस्प्ले वाला आइकन आ गया है। तो ये अब क्या शो करेगा कि हाँ जो हमारी स्क्रीन है वो ओके, तो वो हमारी जो ये सॉफ्टवेयर था वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो इसको मैं अब क्लोज कर सकता हूँ यहाँ से, और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑप्शन है डेस्कटॉप पर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही विंडो फिर से आ गई है, ओके। सो मुझे लगता है शायद कुछ रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आई हो, ओके। तो चलो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिटेक्ट पे क्लिक करके देखते हैं। मैं अब देखो डिटेक्ट पे क्लिक करता हूँ, पहले नहीं हो रहा था बट अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है अनदर डिस्प्ले, ओके। सो अब इस अनदर डिस्प्ले पर मैं टच करूँगा, पहले नहीं आ रहा था, इस पर अगर क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन बदल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक तो है मोबाइल पीसी डिस्प्ले, ये है, और इस पर नहीं करेंगे लेकिन नीचे वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा मल्टीपल डिस्प्लेज का, ये आना चाहिए। ये आने के बाद जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नो डिस्प्ले डिटेक्टेड, एक नीचे ट्राई टू कनेक्ट एनीवे ऑन विजिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखो वन और यहाँ पर टू ये लिखा आ गया है, तो ये डिटेक्ट हो गया है। अब ये करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे इसको, तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ये अप्लाई हो गया है, ओके। अब इसको ओके कर देते हैं तो ये ओके हो गया है। अब ये ओके होने के बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को फिर से ओपन करते हैं, तो मैं ये प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर लिया है, और यहां करने के बाद बट कुछ प्रॉब्लम रह गई है शायद, स्क्रीन रेजोल्यूशन ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे शो, ओके, यहाँ पर भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये लिखा मल्टीपल डिस्प्ले शो डेस्कटॉप ओनली ऑन वन, जो डेस्कटॉप है मुझे सिर्फ वन पर दिखाई दे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या एक्सटेंड दिस डिस्प्ले इसको सेलेक्ट करते हैं और अब अप्लाई करते हैं, ओके। तो अप्लाई करते हैं, कीप चेंजेस किया और पावर पॉइंट में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर यस, ये करने के बाद देखो ये जो शो ऑन है ये हाईलाइट हो गया, और यहाँ पर क्लिक करें तो अब दो मॉनिटर मेरे पास आ रहे हैं, एक प्राइमरी मॉनिटर और एक मॉनिटर टू। तो अब जो ऑप्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे इसके बाद को तो मैं दिखा ही चुका हूँ, बस यही था कि शुरू में आपके पास ये हाईलाइट नहीं होते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और अगर अभी भी ना आए आपके पास तो आप यहां से ये वाला ऑप्शन विंडो प्लस पी करने के बाद भी चेक कर सकते हो, देखो आप अपने आप एक्सटेंडेड ये यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये यही ऑप्शन यहां से किया थे हमने जो था ये था, अगर मैं करता हूं शो ऑन डेस्कटॉप वन अभी आया था, ये अप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कीप चेंजेस रख लिए हैं और पावर पॉइंट में अब मैं जाऊँगा तो देखो शो ऑन जो है ये डिसेबल नहीं है, बट ये डिसेबल कैसे होगा, अब यहाँ से अब विंडो प्लस पी जो थी वो काम करेगी, विंडो प्लस पी है। अब मैंने एक्सटेंडेड, जैसे मैं एक्सटेंडेड करूँगा
तो ये शो ऑन देखो हाईलाइट हो गया है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मॉनिटर टू आ जाएगा कि जो स्लाइड शो है मॉनिटर टू पे चले, और यूज प्रेजेंटर व्यू को मैं क्लिक करके अगर अब फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो को स्टार्ट करता हूं तो ये देखो वही जो प्रेजेंटर व्यू हमने पिछले वीडियो में बताया था वो हो गया है स्टार्ट। ठीक है, तो यही था, इतना ही करना था आपने। तो इसके बाद का तो मैं आपको सारा कुछ बता ही चुका हूँ पहले वीडियो में, तो आई होप आपको जो ये है समझ में आ गया होगा कि जो प्रेजेंटर व्यू है उसको हम कैसे रन करेंगे जब हमारे कंप्यूटर में कोई दूसरी स्क्रीन ना हो। ओके, सो इस वीडियो को अब यहीं फिनिश करते हैं, फिर से किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।